फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डनर दोस्त मोनिका आज आपसे इस प्लांट फाइकस के बारे में बात करने आई हूँ। ये फाइकस के प्लांट हैं फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे 6 प्लांट्स हैं। इसका मैं पहले भी आपको एक वीडियो, एक अलग एक और प्लांट है उसका बता चुकी हूँ, जिसको मैंने सूतली से बांधा था उसको शेप देने के लिए, उसका भी अपडेट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये जो फाइकस प्लांट है फ्रेंड्स, इनकी खासियत ये होती है कि इनके कोई भी इसकी साइज हो, ये बड़ी जल्दी ट्री का शेप ले लेते हैं। ये देखिए, ये बड़ी जल्दी, ये वाला प्लांट देखिए आप, ये बहुत जल्दी ऐसे पेड़ जैसे शेप ले लेते हैं और इनकी जड़ें ऐसे आने लग जाती हैं। ये वाला प्लांट देखिए फ्रेंड्स, ये वाला, इसकी देखिए ये कितनी प्यारी शेप आ रही है। इसलिए इसके बोनसाई बहुत जल्दी बनते हैं और बोनसाई के लिए ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इस प्लांट को फ्रेंड्स जब हम इंडोर रखते हैं, अब देखिए जैसे इसकी ये प्लांट है, ये देखिए आप, इसकी एक और टेंडेंसी होती है। जैसे अब ये 2 हैं, इसको आपस में ऐसे मैं बांध दूंगी तो ये ऐसे अच्छा सा पेड़ का शेप ले लेता है। और इसकी एक और क्वालिटी है, जैसे इसको आप यहाँ से अच्छी तरह बांध दें, जैसे सूतली से बांध दें, मैंने वो वाले बांधे थे उस टाइप से, तो ये इसकी जो ये टहनियाँ, ये ब्रांचेस हैं, मेन स्टेम्स हैं, ये जुड़ जाते हैं आपस में, ये इसकी एक क्वालिटी होती है। तो बोनसाई इनके बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास भी हैं, मैं इनके बोनसाई बनाऊंगी, इसको ये कैनोपी स्टाइल का बनाऊंगी। देखिए इसकी शेप कितनी अच्छी बनी बनाई है। तो इन प्लांट्स को फ्रेंड्स जब गमले में लगाया जाता है तो इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए होती है, लाइट अच्छी हो, अंधेरे में नहीं रखना है इसको, ब्राइट हो लाइट, लेकिन इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट इनके ऊपर सन नहीं पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल बहुत गर्मी है, तो ये देखिए ये पत्तियाँ इसकी पीली पड़ने लग जाती हैं अगर आप इसको लू लगे या डायरेक्ट सनलाइट आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, ये देखिए ये 2 कटिंग, ये वेरीगेटेड वाला है, गोल्डन फाइकस कहते हैं, ये उसकी कटिंग लगाई हुई है और ये मैंने एक और प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स इसको इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है, अंधेरे में आप इसको नहीं रखिए। अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो जैसे ये 2 गमले हैं, ऐसे 2 प्लांट रख लीजिए, 2-4 दिन एक को अंदर रखिए, फिर उसको बाहर रख दीजिए और दूसरे को उसकी जगह रख दीजिए, तो ऐसे ये इंडोर की तरह भी काम कर सकता है, बाकी ये इंडोर सर्वाइव नहीं करता है। और इसकी सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल और रिच सॉइल चाहिए, और सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, ज़्यादा गीली करने से भी इसमें रूट रॉट हो जाता है। और एक बार इसको अच्छी तरह पानी दे दीजिए और फिर जब दूसरी बार आपको पानी देना हो तो ऐसे करके चेक कर लीजिए, ऐसे उंगली डाल के, तो ऊपर की जो 1 इंच की मिट्टी है, इतनी मिट्टी अगर वो सूखी है तो ही पानी दीजिए, अगर ऊपर की मिट्टी इतनी भी गीली है, इतनी सी सूखी है और बाकी सारी नीचे गीली है तो आप पानी मत दीजिए, कम से कम 1 इंच ऊपर की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, उसके बाद इसको आप पानी दीजिए। इस प्लांट को फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी अपने चारों तरफ अच्छी लगती है, तो या तो इसे आप क्लस्टर जहाँ हो प्लांट्स का झुंड में रखे हो वहाँ रखिए छाया में, और या इसके नीचे एक पानी की ट्रे लीजिए, उसमें पत्थर डाल के उस ट्रे के ऊपर इसको लगा दीजिए ताकि इसको अपने चारों तरफ ह्यूमिडिटी मिली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फाइकस की एक वैरायटी है, इसको माइक्रो फाइकस कहते हैं और ये ट्रे गार्डन्स वगैरह में बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है। इस प्लांट की स्पेशली शेप देखिए, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल ऐसी चपटी और ऐसी शेप है, इसलिए मैं इसको लाई थी। और ये एक और फाइकस की वैरायटी है, इसको आइसबर्ग फाइकस कहते हैं, फाइकस आइसबर्ग, इसकी पत्तियों की शेप अलग तरह की है, ये देखिए, और बड़ी शाइनी होती हैं इसकी पत्तियाँ, देखिए ये प्लांट मेरा अभी थोड़ा इसको गंदा हो रहा है, इस पर मैंने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया था तो इसलिए उसके ऊपर ये लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको मॉइस्चर
ह्यूमिडिटी अपने चारों तरफ पसंद होती है, एक्स्ट्रा ह्यूमिड सॉइल नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको गमले में वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए आप। और फाइकस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स कि इसकी पत्तियाँ पीली होके ये बहुत जल्दी अपनी पत्तियों को गिरा देता है, फटाफट एक बार इसकी अचानक से इसकी पत्तियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं और सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है फाइकस में। इसमें एक कारण हो सकता है ओवर वाटरिंग, दूसरा हो सकता है अंडर वाटरिंग, तीसरा हो सकता है बहुत ज़्यादा सनलाइट में इसको आपने रख दिया, चौथा हो सकता है कि बहुत कम सनलाइट में आपने इसको रख दिया, और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब ये आपको अपने प्लांट को देख के पता करना होगा कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार ये क्या है, बहुत फास्ट ग्रोइंग फाइकस, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड्स, इसलिए इसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए होता है। तो आजकल जैसे ग्रोइंग सीजन है इसका समर में, तो इसको इस टाइम फर्टिलाइज़र आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसे NPK और DAP जो है पानी में घोल के, जो मैंने आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र वाली वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए तो आप उसको या तो अर्ली मॉर्निंग दीजिए या फिर सूरज ढलने के बाद शाम को दीजिए, नहीं तो अगर आप इसको सन में सूरज की रोशनी में दे देंगे फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, तो इसकी पत्तियां जलने लग जाएंगी, ब्राउन होने लग जाएंगी और ये मर जाएगा। इसकी पत्तियां फ्रेंड्स सन से ब्राउन भी होने लग जाती हैं, ये देखिए पीली भी और ब्राउन भी, ये देखिए। ये ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग या धूप में ज़्यादा आप इसको रख दो तो होने लग जाती हैं ब्राउन। और अगर आप इसको, हमें इसको किसी भी डिजीज़ से बचाना है, इसमें मिली बग्स वगैरह इंसेक्ट्स बहुत लग जाते हैं, कभी कभी बहुत रेयर एफिड्स भी लगते हैं इसमें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करने से अच्छा है कि आप इसको वीकली, हफ्ते में एक बार जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो उस टाइम उसके साथ ही भले इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल भी मिला लें। तो नीम ऑयल मिलाने से, नीम ऑयल ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नीम ऑयल सॉल्यूशन में मिला के, पानी में मिला के दे दिया तो प्लांट आपका बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। ये जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जैसे नीम ऑयल है और मैंने और भी आपको एक दो बताए हैं, तो ये एक बार में असर नहीं करते हैं, इनको आप जब देते हैं तो 4-5 दिन में या हफ्ते में एक बार, वैसे अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड है प्लांट तो 4-5 दिन में रेगुलर देते रहे, हर चौथे पांचवें दिन, जब तक कि वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड दे सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी बाज़ार से इंसेक्टिसाइड जो रेगुलर आता है दुकान से लाके, उसका पानी में सॉल्यूशन बना के दे, अगर वैसे इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता नहीं है, नीम ऑयल प्रिकॉशनरी आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए तो इसमें इन्फेक्शन लगता ही नहीं है। एक मैं फ्रेंड्स जो आपको पीली पत्तियां होने की और पत्तियां गिराने की बात कर रही थी, वो तब भी होता है इसमें जब आप फ्रीक्वेंटली इसकी प्लेस चेंज करते हैं, कभी आप एक जगह रखते हैं कभी दूसरी जगह रखते हैं, उससे भी प्लांट्स की पत्तियां गिरनी और पीली होने लग जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाता है ये प्लांट। और अगर जब ये स्ट्रेस में आ जाता है, पत्तियां पीली होने लग जाती हैं, गिरनी होने लग जाती हैं या ब्राउन होने लग जाती है, तब इसको जो है वो बहुत जल्दी असर करता है, इंसेक्ट्स जो हैं ज़्यादा अटैक करते हैं, उस टाइम आप इसको थोड़े टाइम के लिए फर्टिलाइज़र वगैरह भी थोड़ा डाइल्यूट करके दीजिए और लीफ पे अप्लाई करेंगे तो थोड़े सा प्लांट में जान आएगी। फोलियर जो है इसको दें और नीम ऑयल वगैरह दें जिससे इस प्लांट को स्ट्रेस को ओवरकम होने में मदद मिले। NPK का सॉल्यूशन लाइट बना के दें, ज़्यादा बार दें लेकिन लाइट सॉल्यूशन दें, जैसे 1 लीटर में 1/4 चम्मच ही डिसॉल्व करके दें, लाइट सॉल्यूशन का हर चौथे पांचवे दिन करें ताकि इसमें दोबारा से स्ट्रेस से इसको ओवरकम होने में हेल्प हो। और महीने में एक बार इसमें एप्सम सॉल्ट पानी में घोल के, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, वो आप सभी प्लांट्स में दें, उससे भी स्ट्रेस को बेयर करने की, उसको
ताकत आती है प्लांट्स में स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की। प्लांट में जो स्ट्रेस आ जाता है हमें रीपॉट करने से या जगह चेंज करने से, उसको बर्दाश्त करने की ताकत आती है एप्सम सॉल्ट से प्लांट्स को। अगर आप इसको नए पॉट में लगाते हैं, एक पॉट से दूसरे में शिफ्ट करना है, तो भी आपको इसे थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल देंगे इसके पेंदे में, उसके नीचे वाली मिट्टी में गमले की, तो उससे क्या होगा कि इसको नए गमले में लगने में स्ट्रेस नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अब आप इसको कब रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा देखने का तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि जब यहाँ नीचे से आप गमले को चेक करिए, अगर गमले के यहाँ ये जो नीचे वाला होल है फ्रेंड्स, इसमें से छोटी छोटी जड़ें बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। या थोड़ा बहुत गमले को ये क्रैक कर देता है बहुत बढ़ जाए तो उससे आपको पता चलता है कि इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज आप इसको रिपोर्ट नहीं करें। ये थोड़ा सा रूट बाउंड गमले में बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर इसकी जड़ें नीचे से निकलने लग जाए फिर आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम इसकी प्रोपेगेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बहुत इजी टू प्रोपेगेट है। जैसे इस प्लांट की फ्रेंड्स छोटी छोटी जो स्टेम्स होते हैं वो भी लग जाते हैं। जैसे कभी आप इस प्लांट को शेप देने के लिए कटिंग करें, तब जब आप इसको कोई कटिंग करें, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने इस प्लांट की कटिंग की थी, इस वाले को थोड़ा सा इधर की ब्रांचेस वगैरह इसकी निकाली थी, तो इनको ऐसे ब्रांचेस को उस टाइम मैंने फटाफट इसको लेके यूं डाल दिया था। अब देखिए इसमें ये थोड़ी थोड़ी सी रूटिंग सी होने लगी है, हालांकि मैंने इनको कुछ भी नहीं किया था। ये एक्स्ट्रा पत्ते अब मैं निकाल रही हूँ, उस टाइम मेरे को जल्दबाजी थी तो मैंने यूं ही रख दिया था। तो ऐसे भी इस प्लांट को अगर आप कटिंग करके ऐसे आप पानी में डाल देंगे, जब भी आप कटिंग करें, इसकी छोटी छोटी कटिंग्स भी लग जाती हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं ये वाली कटिंग भी इसकी ऐसे अलग लेना चाहूँ, इसको भी अगर आप पानी में डाल देंगे तो ये कटिंग भी इसकी ग्रो कर जाएगी ऐसे। अभी तो मैंने आपको ये कटिंग बताई है, मैंने पानी में डाल दी थी, तो ऐसे पानी में डाल दीजिए, जब उसमें रूट्स आने लग जाए तो उसको फिर आप, ये देखिए मैंने ये कितनी सारी डाली हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए बस इनको मैंने यूं ही डाल दिया था इसमें, और अब मैं इनकी एक्स्ट्रा जो पत्तियां हैं अननेसेसरी जो वाटर लॉस करती हैं उनको हटा दूंगी। अभी मैं आपको बस दिखा रही हूँ, बाद में हटाऊंगी अच्छी तरह। तो इसकी जैसे ये पत्तियाँ हैं ना, ये स्टेम्स हैं ना फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे ये सब ग्रो कर जाते हैं। ये देखिए ऐसे मैं इसको यूँ पानी में डाल रही हूँ, मैंने ये सारी देखिए डाली हुई है पानी में। ये जो इसकी स्टेम्स होते हैं फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे ये भी लग जाते हैं। मैं इस पर एक अलग वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको रफली बता देती हूँ। जैसे किसी गमले में कोई एक गमला लेके ऐसे होल कर करके अगर आप ऐसे ये वाले सारे स्टेम्स भी लगा देंगे ना, छोटे छोटे भी, तो ये छोटे छोटे स्टेम्स भी जो हैं वो इसके ग्रो करने लग जाते हैं। आप इतने छोटे छोटे भी लगा देंगे एक गमले में ऐसे खूब सारे लगा के, और उसे पॉलीथीन से कवर करके छोड़ दीजिए। मिट्टी उसकी कैसी लेंगे, पोरस मिट्टी लेंगे, आधी मिट्टी और आधी सैंड, जब आपको इसकी कटिंग्स लगानी होगी। तो मैं आपको इसकी एक वीडियो भी बना के बताऊंगी फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको, ये देखिए ये जो मैंने रखे हुए हैं इन कटिंग्स को गमले में लगा के, और इसकी मैं आपको वीडियो भी बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक ये बोगेनविलिया की कटिंग भी लगाई हुई है। अब इसमें देखिए थोड़ी रूट्स अभी नहीं निकली हैं, थोड़ी सी रूट्स निकलेंगी तो इसे भी मैं गमले में लगाऊंगी। ये भी मैंने इसी में डाला हुआ है। तो मैं ये फाइकस की कटिंग्स की एक वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, और इसमें जो गोबर की खाद वगैरह है वो साल में दो बार दीजिए आप। एक तो आप इसको फरवरी में दीजिए और एक सितंबर में दीजिए। तो फरवरी में जो खाद देते हैं वो ज़्यादा दीजिए क्योंकि इसका ग्रोइंग सीजन होता है, और जो सितंबर में खाद देंगे वो थोड़ी सी क्वांटिटी में कम दीजिए।
क्योंकि वो सर्दी में इतना काम नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको फाइकस के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल पे जाके आप मेरी और वीडियोस को भी देखिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत एनकरेजिंग होता है, मुझे उससे और अच्छा वर्क करने में हेल्प मिलती है और इंटरेस्ट आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।